जो पद यात्रा एक तो एक भारत की राजधानी और एक जो एरिया हम लोग ने चुन रखा, निश्चित रूप से वो एरिया पूरे विश्व में चर्चित है। महात्मा गांधी की समाधि राजगढ़ कौन नहीं जानता, कहां है ये हमारी किताबों में, लाल किला कहां है कौन नहीं जानता। अब यह ऐसे सुप्रसिद्ध स्थान से अगर हमारे काफिला अगर बंदे मातरम करते हुए अगर आगे निकलेगा और जो इसमें हमारे सामाजिक कार्यकर्ता लीड करेंगे, चाहे किसी भी सर आपका परिचय जानना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर के पी सिंह है और मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। सर क्या कहना चाहेंगे वंदे मातरम व पद यात्रा को लेकर आज बैठक की गई है, सारे आपके लोग पदाधिकारी बैठे हैं, तो क्या मेन मकसद है आपकी, क्यों ये रखी है? वंदे मातरम पद यात्रा का मूल उद्देश्य जो अति पिछड़ा समाज है उसको जागृत करना है। हमारा जो समाज है वो अभी तक लोगों की सेवा करते आ रहा है। देश में अभी तक कुछ वर्गों का ही शासन रहा है जिसकी आबादी कम है और हम पूरे हिंदुस्तान में 50% है। 50% होते हुए भी आज हम लोग सिर्फ वोट देने का काम करते हैं, कोई चित है और अपनी पहचान नहीं बना पा रहे हैं। लोग हमें यूज करते हैं और पैसे के बल पर, प्रलोभन के बल पर, डर के बल पर हमारे वोट को खरीद लेते हैं और हमें जो है ना यही प्राणी बनाकर छोड़ते हैं। मैं चाहता हूं कि वंदे मातरम पदयात्रा के माध्यम से अति पिछड़ा समाज जो छोटे छोटे काम कर रहे हैं, जो लोगों की सेवा कर रहे हैं, हर वर्ग जो अति पिछड़ा है वो किसी न किसी माध्यम से हमारे समाज के लोगों की सेवा कर रहा है, चाहे वो घर में काम करने का हो या तो काट का जो है फर्नीचर बनाने का काम हो या बाल बनाने का काम हो, नाई का काम या फिर और भिन्न भिन्न तरह के जो कलाकार लोग हैं जो सब दिन समाज की सेवा करते आए हैं, तो ये वर्ग है, ये वर्ग अभी तक शोषित ही रहे। जब तक ये जगाएंगे नहीं तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। ये यात्रा सर कब से और कहाँ तक दिल्ली में कहाँ तक चलेगी? ये यात्रा जो है ना फिलहाल पटना में और दिल्ली में प्रायोजित है। पटना में हम लोग 21 जुलाई को करेंगे और 21 जुलाई को जो पदयात्रा होगा वो बापू सभागार से लेकर के विधानसभा तक होगा और 4 अगस्त को ये जो पदयात्रा है वो राजघाट से होते हुए हम लोग लाल किला तक जाएंगे। संदेश हमें ये देना है कि विधानसभा भी हमारा है और लोकसभा भी हमारा है। बाबा साहेब ने एक वोट का अधिकार सबको दिया है, प्रधानमंत्री हो उसका भी वोट एक और एक नाइक साहब जो हर दिन हजाम मनाता है उसका भी वोट है। तो फिर ये जो शक्ति हमारी है वो शक्ति को संवारना होगा और शक्ति को एक दिशा देनी होगी। इस शक्ति को दिशा देने के लिए हम ये पदयात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा में आपके साथ कौन कौन होने वाले हैं? इस यात्रा में मूल अति पिछड़ा वर्ग के लगभग सभी लोग शामिल होंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान के जितने भी
लोग हैं, जितने भी संगठन हैं जिसे अति पिछड़ा चला रहा है, वो सारे के सारे लोग सम्मिलित होकर के एक अति पिछड़ा समाज के बैनर के तले पदयात्रा करें। और ये पदयात्रा सिर्फ दिल्ली और पटना में नहीं होगा, हम लोग कलकत्ता में भी करेंगे। और विशेषकर मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो बिहार में जितने भी पंचायत है सभी पंचायतों से ये पदयात्रा निकाला जाएगा, ताकि ये जो शोर सुन करके लोगों को लगे कि अति पिछड़ा समाज इतना कमजोर नहीं है और हमें सत्ता में भागीदारी देनी ही होगी, चाहे जैसे दे प्यार से दे या तो फिर देने की कर्म होते पर दे, लेकिन देना ही पड़ेगा। इस यात्रा से क्या लगता है कि लोग होंगे? बिल्कुल, यदि अगर वंदे मातरम पदयात्रा, ये वंदे मातरम ये जो धरती है जिसने हमें पैदा किया, ये माँ के समान है, और यही धरती हमें मान सम्मान भी देगी और यही धरती हमें अधिकार भी देगी, इसलिए वंदे मातरम हमने शब्द रखा। ये बंकिम चटर्जी का जन दिया हुआ शब्द है, और ये शब्द ये जन वो उस समय दिया गया था जब आजादी की लड़ाई शुरू हुई थी, और लोगों में प्रेरणा भरने के लिए ये शब्द का प्रयोग किया गया था। मैं पुनः ये शब्द का प्रयोग जितने भी अति पिछड़ा समाज है सभी के जन जहन में उसमें डालने का प्रयास करूंगा, उसमें प्रेरणा भरने का काम करूंगा, उसको उत्साहित करने का काम करूंगा। बात करें जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को, पहले किसी पार्टी ने भारत रत्न से सम्मानित नहीं करा था, लेकिन अब की बार मोदी जी ने उनको भारत रत्न से सम्मानित किया। ये बड़ी अच्छी बात पूछी आपने। जननायक कर्पूरी ठाकुर जिन्होंने अति पिछड़ा समाज को वर्गीकृत किया, मुख्यमंत्री का पद मुझे पता था कि आरक्षण लागू करेंगे ये पद चला जाएगा, इसके बावजूद उन्होंने आरक्षण लागू किया बिहार में, और उनका वर्गीकरण बहुत ही सटीक था, शैक्षणिक सामाजिक और बौद्धिक स्तर पर जो समान लोग थे उनको एक खेमे में रखा गया, पिछड़ा और अति पिछड़ा। और ये जननायक जिन्हें अभी तक सम्मान नहीं मिला था, हमने वो सेको दौरा आश्रम से पहली बार एक जने रैली निकाली थी, और वहाँ पर हमने लोकनायक जगदास नारायण के वो जो पुस्तक है रखी हुई, इसमें नोट लिखा होता है, उसी नोट पर हमने लिखते हुए जननायक को जो है कि भारत रत्न देने का ऐलान के विषय में हमने लिखा था। और संजोग की बात है कि 28 तारीख को हमारी ITI मैदान, जो सबसे बड़ी मैदान बड़ा मैदान है नोएडा में, वहाँ पर हजारों की भीड़ की संख्या में हमने रैली किया था, और ठीक उसके दो दिन पहले मतलब 28 को रैली थी और 25 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐलान किया था कि भारत रत्न उनको दिया जाएगा। तो डिमांड तो बहुत लोगों ने किया, लेकिन शायद ये मेरा डिमांड था जो उनके कानों तक पहुंचा और उन्होंने इसको अंगीकार किया। जितने भी लोग हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे अमित शाह हो, या तो बिहार में लालू प्रसाद यादव हो, या तेजस्वी जी हो, या नीतीश कुमार हो, सब इस लोकसभा इलेक्शन में अति पिछड़ा करते रह गए, लेकिन किन्हीं ने उनको सम्मान नहीं दिया। अंत में हमें लगा कि जब तक हम रोड पर नहीं निकलेंगे और अपनी बात नहीं रखेंगे तब लोग इस बात को सुनेंगे नहीं और हमें सम्मान नहीं देंगे।